हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी शाम का टाइम है, मैंने शाम का दिया भी जला दिया है और अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैंने तहरी बनाने को सोची थी, उसी के लिए चावल बन निकाल रही हूँ यहाँ पर मैं। और दो जने हैं, मैं और मेरे पति, तो चावल को मैं चुन ले रही हूँ। थोड़ा वैसे तो साफ़ ही रहता है काफ़ी, विकास थोड़े बहुत कंकड़ वगैरह देख लेने होते हैं, बिल्कुल साफ़ चावल होता है ये। यहाँ से लाते हैं, हमेशा वहीं से लाते हैं, तो बहुत साफ़ चावल होता है हम लोगों का। तो यहाँ मैं वॉश कर ले रही हूँ। शाम के समय भी पानी बहुत ठंडा रहता है। ये थोड़े से मेरे बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, चाय बनाई थी उसके, और ये लंच बॉक्स है जिसमें हस्बैंड पराठा वगैरह ले जाते हैं, वो लंच बॉक्स है। तो लास्ट में जब मैंने धो लिया तो इसको भिगोने के लिए फिर मैं आरओ का ले रही हूँ पानी। तो तहरी में डालने के लिए मैं मटर छील ले रही हूँ। फिर छीलने के बाद फिर इसको एक आलू के साथ, आलू मैंने अच्छे से धो के और फिर इसको मैं इसके साथ वॉश कर लूँगी। कट कर लिया था आलू को, अब मैं दोनों वॉश कर रही हूँ। लहसुन प्याज भी ले लिया है, बिना लहसुन प्याज के तो तहरी अच्छी नहीं लगेगी, तो लहसुन प्याज मैंने धो लिया है। तो इसको डाल लिया है मैंने क्रशर में, दोनों को लहसुन डाल लिया, प्याज मैं काट के डाल ले रही हूँ, फिर क्रश कर लूँगी। तो यहाँ क्रश हो गई है, तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। एक अदरक का छोटा टुकड़ा लेके मैंने कट कर लिया है इसी में, छोटे छोटे टुकड़े, मतलब हल्के से मुंह में आते हैं छोटे छोटे टुकड़े आजकल, तो अच्छे लगते हैं खाने में। एक टमाटर डालना है तो उसको भी मैं कट कर ले रही हूँ। यहाँ छोटी इलायची 3 ली है और ये काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, इसको ना बीच से मैं इसको स्लेट कर दे रही हूँ, और काली मिर्च के भी टुकड़े कर दे रही हूँ। फिर ध्यान आया कि मेरे पास एक क्रशर है काली मिर्च का, तो इसको भी मैंने यूज़ करके थोड़ी सी काली मिर्च ले ली। यहाँ कुकर मैंने चढ़ा लिया, इसमें थोड़ा पहले ही रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, उसके बाद थोड़ी देर से घी मिला दिया इसमें, तो अच्छी क्वांटिटी हो गई है घी की। दोनों को मिक्स करके अब यहाँ तेज पत्ता मैंने डाल दिया, छोटी इलायची डाल दी है, और ये लौंग है और ये काली मिर्च है। हल्का सा क्रैकर हो जाएगा तो फिर मैंने ये लहसुन प्याज और अदरक जो क्रश करी थी वो डाल दिया है। थोड़ा सा भून लेते हैं इसको, थोड़ा रंग चेंज हुआ थोड़ा सा, तो फिर मैंने ये धनिया डाल दी एक चम्मच, छोटा आधा चम्मच पिसा मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा। इस तरह से ये भुन गया है काफ़ी अच्छा। ये टमाटर मैंने डाल दिया, सब अच्छे से टमाटर गल चुके हैं। ये मैंने फिर मटर और आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया मसाले में। अब ये जो चावल भीग गया था वो मैंने डाल दिया है, पानी डाल दिया है, थोड़ी सी गीली बना रही हूँ तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, और ये स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने।
बस अब क्या है, ढक्कन लगा के प्रेशर आने तक वेट करूँगी। तो प्रेशर आ गया है अच्छे से, तो मैंने धीमा कर दिया है और फिर 10 मिनट के बाद बन चुकी है वो। यहाँ पे मैंने ये टमाटर की चटनी पीस के रखी हुई थी फ्रीजर में, वो भी मैंने निकाल ली है और ये तैयारी बन के तैयार हो गई है। जा रही हूँ, पहले हस्बैंड को दे देती हूँ, बैठे हुए हैं वहाँ टीवी देख रहे हैं, फिर अपनी भी प्लेट निकालती हूँ। तो दे के आती हूँ, बैठे हुए हैं यहीं पे, खा लेते हैं जाड़ों में टीवी देखते हुए। कह रहे थे ज़्यादा हो गई है, थोड़ी कम कर दो। कैसी बनी है? तो यहाँ पे मैंने कम कर दी, आपकी निकाल दी है इन्होंने। रुको जी, ले लो। कहने लगे चटनी भी ले जाओ। भर लियो। तो अब मैं अपनी भी निकाल ले रही हूँ इसी प्लेट में। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और 6 बज चुके हैं, तो अब मैं अपनी बेडिंग वगैरह हटा रही हूँ क्योंकि अब सफाई का काम करना है। बहुत ठंड भी है बाहर, तो दरवाज़ा वगैरह भी बंद किया हुआ है, खोल दूँगी अभी मैं। पहले मैं भगवान के बर्तन जो है ले निकाल लिया है वहाँ से, पूजे की अलमारी से। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा इसकी राख वाख हटा देती हूँ और फिर आगे का काम शुरू करूँगी। एक यहाँ पर ये स्टील वाला यहाँ पर रखती हूँ किचन में, यहीं पे इसमें दिया वगैरह धूप बत्ती जलती है। अब मैं यहाँ लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल रही हूँ बाहर का, बाहर वाली जो बालकनी है ये बाहर का नज़ारा है। ये तुलसा जी है मेरी लगी, इधर मनी प्लांट लगा हुआ है, बेसिन है और ये। अब मैं जा रही हूँ, खोल दिया है पर्दे को, झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। कपड़े तो आजकल सूख नहीं रहे बिल्कुल, तो बस यहीं पे विंडो वगैरह पे डाल देती हूँ, तो यहीं पे पड़े पड़े सूखते रहते हैं। बाहर मैंने झाड़ू कर ली है, अब मैं कमरे से शुरुआत करूंगी, तो बाकी फिर दोनों कमरों में लगा लेनी है किचन में। शुरुआत यहीं से कर देती हूँ और एक यहाँ सेंटर पड़ता है बीच में करके, फिर और कमरों से ला के फिर एक जगह कूड़ा उठा लेती हूँ। मैं झाड़ू लग चुकी है मेरी, तो ये पानी गर्म गीजर चलाया था ना, तो वहीं से पानी मैं ले आई हूँ और इसमें सर्फ डाल के अब मैं धो ले रही हूँ सब बर्तन। फटाफट काम हो जाता है अगर पानी थोड़ा गर्म रहता है, घी भी जल्दी छूट जाता है और बर्तन भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो ये कुकर जो कल रात में तहरी बनाई थी, इसमें कुकर है और तवा तो निकला था कल रात में। ये लाते हैं ना मूंग की दाल का हलवा लेकर आए थे, तो उसको गरम किया था तवे में। अब मैं धो ले रही हूँ सब बर्तन फटाफट। अब
ये छोटे छोटे बचे हुए हैं, बड़े तो धुल ही चुके हैं। मेरे गले में बड़ी सी खराश सी हो गई है, बीच बीच में ये आवाज़ ही रुक जाती है। अब मैं पूजा के बर्तन धो ले रही हूँ, तो वही पहले पीतांबरी डाल के पहले सबको अच्छे से रगड़ दिया, सारे दाग खत्म हो गए धूप बत्ती के। और ये तो स्टील का ही है, तो इसमें तो साबुन से ही धोएंगे। पहले साबुन इसमें लगा लिया है, अब बाकी में भी साबुन लगा लूँगी मैं। यहाँ मेरे पूजा के भी बर्तन धुल रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया काम, बिल्कुल चमक जाते हैं। ज़रा सा पीतांबरी डालती हूँ चुटकी भर, और उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो मैं फ्रेश हो के आ गई हूँ, सब काम हो गया, फिर फ्रेश हो गई मैं। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। अगरबत्ती तो बिल्कुल वो धूप बत्ती एकदम बिल्कुल टाइट हो गई है, तो बहुत अच्छे से उसको प्रेस करके फिर लंबा करती हूँ, तब कहीं जाके वो जल पाती है। तो दिया जल गया, धूप बत्ती भी जल गई है। अब मैं सिंदूर चढ़ा देती हूँ माँ को, माँ गौरी का को भी सिंदूर चढ़ा के फिर उनसे सिंदूर ले लेती हूँ और दोबारा फिर उनको चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, किचन में चलते हैं। तो सुबह कल पराठा जो बनाया था तो मैंने रख दिया था, कहा था आज और बन जाएगा एक बार तो फिर धो लूँगी। आटा निकाल लेती हूँ, जा रही हूँ गोभी का पराठा बनाने आज। तो आटा निकाल लिया है, थोड़ा ही सा लगेगा क्योंकि गोभी भी थोड़ी मिलेगी ना ऊपर से, आटे में मिक्स करके बनाऊँगी। यहाँ जितना लेना था आटा उतना ले लिया है मैंने। अब पहले गोभी ले ली है मैंने, गोभी पहले घिसनी पड़ेगी ना, तो बड़े बड़े से इसके फूल जो बड़े बड़े से हैं वो निकाल लिए मैंने, छोटे वाले रहने दिए क्योंकि घिसने में यही सही रहते हैं ना, अच्छे से घिस जाता है बड़े फूल अगर होते हैं तो। तो बहुत बिल्कुल वाइट गोभी थी, बिल्कुल बहुत साफ। तो थोड़े थोड़े से पानी में, फ्लोइंग वाटर में मैंने इसको धोया है, एकदम साफ हो गई है। मैं इसको घिस ले रही हूँ। तो ये देखिए महीन महीन सा घिसता जा रहा है, टाइम बहुत लगता है गोभी घिसने में। इसके पीछे के डंठल बचे ना वो भी अच्छे फ्लेवरफुल होते हैं, तो उसको भी मैंने चक्कू से काट के छोटे छोटे कर लिए हैं, घिसते तो बनते नहीं है वो। अब एक फूल और बचा हुआ है घिसने को, वो भी हो गया है लगभग कंप्लीट। ये भी घिसते समय ना टूटने लगते हैं इसके फूल, तो थोड़ा सा हाथ भी रोक रोक के चलाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए आटे में मैंने वो मोइन लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, थोड़ा उसमें मैंने नमक और अजवाइन डाल के अच्छे से मैंने इसको मोइन लगा ली है आटे में। और यहाँ देखिए मैंने मिर्च काट ली है, हरी मिर्च, दो हरी मिर्च छोटी छोटी काट ली है, लहसुन छील के क्रशर में डाल लिया है, और अदरक।
एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी इसमें डाल लिया है और लहसुन अदरक में क्रश कर ले रही हूँ। क्रश हो गया है, अब इसको इसी में मिर्च वाली प्लेट में मैंने निकाल लिया है। निकल जाने के बाद फिर जो गोभी थी ना घिसी थी उसी में मिक्स कर देना है इसको। तो अभी मैं इसके ऊपर डाल ले रही हूँ, फिर ये साथ में ही आटे में सबको डाल दिया है और अच्छे से इसको खूब टाइट सा, अगर आटा कम लग रहा था मैंने और डाल के सब मिक्स किया है। और फिर बहुत कम पानी, मुश्किल से आधी कटोरी पानी और लगा होगा, तो ये आटा लग चुका है मेरा। यहाँ मैंने चाय बना ली थी, हस्बैंड भी सो के उठ गए थे तो चाय बना ली है मैंने, तो मैं चाय भी निकाल ले रही हूँ और चाय पीने के बाद फिर पराठा सेकूँगी। तो अब पराठा मैं सेक ले रही हूँ, चाय पी लिया था, अब पराठा भी सेकने की तैयारी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको और भी मेरी वीडियोस देखनी है सेविंग की, मैंने बहुत से बैग्स वगैरह बनाए हैं।